अगर आप भी जो अपने इंपोर्टेंट डाटा को किसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखते हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो जाएगी, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो अपने इंपोर्टेंट डाटा को जिसे आपने जो है किसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखा है उसे हमेशा के लिए सुरक्षित बनाए रह सकते हैं, जिससे उस डाटा पर कोई ऑटो रन मालवेयर या वायरस जो है अटैक नहीं कर पाए और आपकी फाइल जैसी है वैसी बनी रहे। जैसी आपने फाइल जो स्टोर की है पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में वो वैसी हमेशा बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आए, वो आपकी फाइल जो है आपका डाटा वो करप्ट नहीं हो। तो इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को ऑटो रन जो मालवेयर होता है, जो वायरस होता है, उससे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पेन ड्राइव है और मेमोरी कार्ड है उसमें जो भी डाटा आपने स्टोर करके रखा है वो जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें किसी प्रकार की जो खराबी नहीं आए। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ यूएसबी वैक्सीनेशन के बारे में। यूएसबी वैक्सीनेशन क्या होता है दोस्तों? अगर आप जो किसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में यूएसबी वैक्सीनेशन कर देते हैं, किसी पेन ड्राइव का यूएसबी वैक्सीनेशन कर देते हैं, तब उस पेन ड्राइव में जो है वो ऑटो रन जो मालवेयर होता है, जो वायरस होते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते हैं, जिससे उस पेन ड्राइव में जो भी डाटा है जैसा है वैसा बना रहता है और उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा भी ठाकुर, आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं यूएसबी वैक्सीनेशन के, जिससे आप यूएसबी वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा यूएसबी वैक्सीनेशन के लिए, वो तरीका दोस्तों मैं बताऊंगा एंटीवायरस के थ्रू। एंटीवायरस दोस्तों मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है इस समय, K7 दे सकते हैं, K7 इंटरनेट सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, इसी में आपको एक टूल मिल जाता है इसी एंटीवायरस में, जिसके थ्रू आप जो है यूएसबी वैक्सीनेशन कर पाएंगे। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो किसी प्रकार का जो एंटीवायरस नहीं पड़ा हुआ है तो आप डलवा लीजिए, और नहीं तो आप जो K7 एंटीवायरस ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी बढ़िया है, आपको जो 400 से 500 रुपए में पूरी टोटल सिक्योरिटी मिल जाएगी और इसमें बहुत सारे आपको टूल भी मिल जाएंगे। एक साल के लिए दोस्तों आपको 400 से 500 रुपए का पड़ेगा ये एंटीवायरस K7, इसको आप ले सकते हैं मार्केट से, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दे सकते हैं यहाँ पर जो K7 का जो आइकन आ रहा है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यूएसबी वैक्सीनेशन के लिए, तो इस तरह से दोस्तों ओपन हो जाएगा, दे सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और नीचे आपको मिल जाएगा, दे सकते हैं तीन ऑप्शन मिल रहा है, स्कैन का, अपडेट का और टूल का। तो इसमें आपको टूल मिल जाएगा यूएसबी वैक्सीनेशन का, जिसके थ्रू आप जो पेन ड्राइव को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है यूएसबी वैक्सीनेशन, नीचे दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पर लिखा हो वैक्सीनेट अगेंस्ट ऑटो रन मालवेयर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऊपर आपको एक मैसेज मिल रहा होगा, दे सकते हैं यूएसबी वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स वायरस फ्रॉम इन्फेक्टिंग योर यूएसबी ड्राइव्स, यू कैन अंडू द वैक्सीनेशन लेटर इफ नीडेड। मतलब जहाँ पर आप जो है यूएसबी वैक्सीनेशन कर देंगे पेन ड्राइव का, तो उसे आप बाद में आप जो अंडू भी कर सकते हैं, आप जो है अपनी पेन ड्राइव को जो है जैसी थी वैसी कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उस पेन ड्राइव को आपको सिलेक्ट करना है जिससे आप जो है वैक्सीनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है मैंने अपने लैपटॉप में किसी प्रकार की कोई पेन ड्राइव नहीं लगाई, तो मैं लगा लेता हूँ जिससे जो है यहाँ पर शो होगी वो पेन ड्राइव। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेन ड्राइव मैंने लगा दी, अब दोस्तों आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं एफ जो है एक पेन ड्राइव मैंने लगाई है, नीचे देख सकते हैं कनेक्ट हो गई पेन ड्राइव, एक जो है पेन ड्राइव मैंने लगा दी है वो एफ में आ चुकी है, और यहाँ पर जो है वैक्सीनेट जो लिख के आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मैसेज आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव हैज़ बीन वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली, मतलब जो पेन ड्राइव मैंने लगाई थी वो वैक्सीनेट हो चुकी है। बाद में दोस्तों आप जो है अगर नहीं चाहते, आप वैक्सीनेट करना नहीं चाहते, हटाना चाहते हैं उसे, तो आप दोबारा से पेन ड्राइव लगाइए, K7 को ओपन कीजिए दोस्तों, जिससे भी आपने जो है वैक्सीनेट की है अपनी पेन ड्राइव उसमें जाकर आपको जो दोबारा यहाँ पर अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर अंडू का ऑप्शन आ रहा है, अंडू वैक्सीनेट आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फिर से मेरी पेन ड्राइव वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, जो वैक्सीनेशन है वो हट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो किसी भी पेन ड्राइव या दोस्तों कोई मेमोरी कार्ड है उसको जो है वैक्सीनेट कर सकते हैं, और उसे ऑटो रन मैलवेयर जो वायरस होता है उनसे बचा सकते हैं, और उसमें जो डाटा है आपका पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में जो सेव आपने डाटा करके रखा है उसे जो है वायरस से बचा सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं, करप्ट होने से बचा सकते हैं, जिस तरह आज की वीडियो में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है या दोस्तों आप जो है यूएसबी वैक्सीनेशन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई उसे लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ इसी प्रकार के आगे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।